हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्रदास। आज हम छोटी सी लीला देखेंगे नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता 14th सेंचुरी में एक बड़े संत थे, भगवान के बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान का नाम लेते थे। ये जूनागढ़ यानी गुजरात में रहते थे। तो ऐसे ये नरसिंह मेहता जूनागढ़ में रहते थे और भगवान की भक्ति करते थे, द्वारकाधीश के बड़े भक्त थे। तो एक बार हुआ ऐसे कि काफी सारे कुछ साधु संत उस जूनागढ़ में आए थे। तो वो जूनागढ़ से जा रहे थे द्वारका, भगवान द्वारकाधीश का दर्शन लेने के लिए। तो जूनागढ़ से द्वारका जो है ये रास्ता बहुत ही सुनसान है, उधर काफी बड़ा जंगल है और उधर काफी लुटेरे रहते थे। तो ये जब लोग आए, जब जूनागढ़ और जूनागढ़ से जाने वाले थे द्वारकाधीश यानी द्वारका में द्वारकाधीश का दर्शन लेने के लिए, तो वो ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसको हम हमारा जो सारा पैसा है वो दे दे और बाद में हम द्वारका में वो पैसा फिर से कलेक्ट करें। इसको बोलते हैं हुंडी लिखना। तो ऐसे कुछ महाजन होते थे उस समय में कि आप उस महाजन को, उस जगह पे महाजन को, उनको कुछ पैसे दे दो और बाद में दूसरी जगह पे जाके दूसरा जो एजेंट है, दूसरा जो महाजन है, उससे वो पैसा कलेक्ट कर लो, जैसे बैंक में होता है। तो वैसा सिस्टम पहले था, महाजन सिस्टम था, हुंडी सिस्टम बोलते थे उनको। एक जगह पे आप पैसा जमा करो, आगे जाओ उधर से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ये जब जूनागढ़ में आए तो ये साधु संत, इनके पास 700 रुपए थे। तो वो सोच रहे थे कि हम यहाँ से जूनागढ़ से जब द्वारका जाएंगे तो बीच में बड़ा जंगल है, घना जंगल है, काफी लुटेरे है वहां पे, तो वहां हमारा धन संपत्ति चोरी हो सकता है। तो वो क्या करते, वो 700 रुपए उनको वहां पे किसी महाजन के पास देने थे, हुंडी लिखना था। तो ढूंढ रहे थे ऐसा कोई महाजन है यहाँ पे जो हुंडी लिख के हमें दे और फिर बाद में हम द्वारका में जाके वहां से हम पैसे कलेक्ट करें उनके ही दूसरे एजेंट से। तो फिर वो ढूंढते किसी को वो पूछते हैं कि यहाँ पे कोई महाजन है, कोई हुंडी लिख के दे सकता है हमें, हमें जाना है जूनागढ़ से द्वारका में। तो उधर से उधर के कुछ लोग जो जूनागढ़ के, वो मजाक में क्या बोलते हैं, हाँ हाँ एक है ना यहाँ पे महाजन, दो आपको हुंडी लिख के दे सकता है, उसका नाम है नरसिंह मेहता। और उसको नरसिंह मेहता का एड्रेस देते उनको और वो संत जो है नरसिंह मेहता के घर पे पहुंचते। हालांकि अभी नरसिंह मेहता बहुत गरीब रहते, वो महाजन नहीं रहते, वो हुंडी कभी लिख के नहीं देते किसी को, लेकिन ये सब जो लोग हैं ये उनका मजाक करना चाहते थे, इसलिए इन संतों को वो नरसिंह मेहता के घर पे भेज देते हैं, बोलते वो आपको हुंडी लिख के देंगे। तो ये सारे साधु संत जब जूनागढ़ में नरसिंह मेहता के घर पे जाते हैं तो नरसिंह मेहता बहुत खुश हो जाते हैं कि साधु संत आ गए, साधु संत इति घरा तोची दिवाली दशहरा। तो बहुत खुश हो जाते हैं, उछलने लगते हैं और सबका स्वागत करते हैं, उनको अच्छे से खाना वगैरह देते हैं, भोजन देते हैं, पानी देते हैं। और फिर बाद में ये संत बोलते हैं कि देखिए नरसिंह मेहता जी, ये किसी ने हमको बोला है कि आप यहाँ के महाजन हैं और आप हुंडी लिख के देते हैं, हम जा रहे हैं द्वारका और हमारे पास 700 रुपए, बीच में का रास्ता जो है अच्छा नहीं है, लुटेरे हैं, वो हमारे पैसे चुरा ले सकते हैं, तो आप हमें हुंडी लिख के दीजिए, आपको हम 700 रुपए देंगे और बाद में द्वारका में जाके आपका कोई जो एजेंट रहेगा, महाजन रहेगा, उससे हम वो कलेक्ट कर लेंगे। तो नरसिंह मेहता मन में सोचते, अरे मैं तो महाजन नहीं हूँ और मैं तो हुंडी ऐसे वगैरह लिख के देता नहीं, लेकिन किसी ने इनको बहका के मेरे घर पे भेजा है, लेकिन अभी क्या करे, ये संत आए हैं, उनको तो प्रसन्न करना चाहिए, उनको ऐसे ही भेज नहीं सकते। तो भगवान को प्रार्थना करते और बोलते ठीक है आप मेरे पास पैसे दे दो 700 रुपए और मैं आपको हुंडी लिख के देता हूँ, मैं पत्र लिख के देता हूँ। तो जो संत खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर नरसिंह मेहता वो पैसे लेते हैं 700 रुपए और उनको हुंडी लिख के देते हैं और बोलते हैं कि ये श्यामल शाह सेठ करके है जो द्वारका में आपको मिलेंगे, हमारे एजेंट है, और उनसे आप बाद में उधर जाके पैसे कलेक्ट कर लेना, श्यामल शाह सेठ करके। तो ऐसा पत्र लिख के देते हैं, वो संत बहुत खुश हो जाते हैं, उनके पास पैसे जमा करते हैं 700 रुपए नरसिंह मेहता के पास और वो पत्र लेके जाते हैं जूनागढ़ से द्वारका की तरफ। अभी जो नरसिंह मेहता है उनको पता नहीं था ये श्यामल शाह शेठ जो है वो कौन है, ऐसे ही नाम लिख के दिया। कुछ अभी भगवान देख लेंगे, क्योंकि संतों को प्रसन्न करना है, उनको निराश तो नहीं कर सकते। तो फिर ये संत सब जाते हैं जूनागढ़ से द्वारका और फिर द्वारकाधीश का दर्शन करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और फिर ढूंढते हैं कि यहाँ पे जो महाजन है कोई श्यामल शाह सेठ है क्या, हमें नरसिंह मेहता ने भेजा है जूनागढ़ से, हमें हमारा हुंडी चाहिए, फिर से हमारे पैसे चाहिए 700 रुपए, ये पत्र देखो। तो सब बोलते यहाँ तो कोई नहीं है श्यामल शाह सेठ यहाँ पे ऐसा महाजन कोई नहीं है। तो बहुत ढूंढते और परेशान हो जाते, सोचते कि नरसिंह मेहता ने हमें फंसाया तो नहीं, ऐसा कोई नहीं है श्यामल सेठ, हमारे 700 रुपए गए लगता है। तो बहुत निराश होते हैं ढूंढते, फिर आखिर में जो भगवान है द्वारकाधीश,
क्योंकि उनके भक्त है नरसिंह मेहता, उनको बचाने के लिए, उनका नाम बचाने के लिए, क्योंकि वो नरसिंह मेहता उनके भक्त है द्वारकाधीश के। तो द्वारकाधीश साक्षात वहां पे प्रकट होते हैं एक महाजन के रूप में, एक सेठ के रूप में, श्यामल शाह सेठ बन के एक साक्षात द्वारकाधीश आते हैं वहां पे। और इन संतों को बोलते हैं, अरे आप ढूंढ रहे थे कि मैं हूँ श्यामल शाह सेठ, आपको नरसिंह मेहता ने भेजा है ना। हाँ, अरे हम तो कब से ढूंढ रहे, हम तो इतने निराश हो गए, हमने सोचा कि नरसिंह मेहता ने हमको फंसाया, कहाँ थे आप इधर बाजार में, हमने बहुत पूछा। तो भगवान जो श्यामल शाह सेठ में रहे थे उनके रूप में बोलते कि मैं ऐसे बाजार में नहीं मिलता, मैं कहाँ पे मिलता हूँ, मैं एकांत में मिलता हूँ, मैं ऐसे बाजार में नहीं मिलता। ठीक है, जो भी है ये लो पत्र, ये श्यामल शाह सेठ आपके नाम पे लिखा है, नरसिंह मेहता ने हमें हमारा 700 रुपये दे दो। वो बोले ठीक है, ये 700 रुपये ले लो। और भगवान साक्षात 700 रुपये उनको खुद देते हैं इन साधु संतों को। तो ऐसे साक्षात जो भगवान है वो खुद आते हैं, और फिर बाद में जब ये फिर से रिटर्न आते हैं द्वारका से ये साधु संत जूनागढ़ में, और फिर जूनागढ़ में जब मिलते हैं नरसिंह मेहता से, उनको बोलते हैं कि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जो एजेंट है श्यामल शाह सेठ वो मिले और उन्होंने हमें पैसा दिया, आप बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तभी नरसिंह मेहता को पता चल जाता है कि भगवान साक्षात द्वारकाधीश वहाँ पे आए और उन्होंने नरसिंह मेहता की लाज बचाई। तो ऐसे थे महान भक्त नरसिंह मेहता, हमेशा भगवान के सेवा में रत रहते थे, साधु संतों की सेवा करते थे और भगवान के नामों में रत रहते थे। ऐसे थे हमारे नरसिंह मेहता। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।